27th ऑफ मार्च 2023 और आज है वर्ल्ड थिएटर डे। थिएटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आर्टिस्ट अपने लाइव परफॉर्मेंस के थ्रू सोसाइटी को मैसेज प्रोवाइड करते हैं कि हाँ सोसाइटी में क्या चल रहा है और उससे रोकने के लिए बचने के लिए क्या किया जा सकता है। तो अगर इसकी हिस्ट्री में जाए तो 1962 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने वर्ल्ड थिएटर डे की शुरुआत किया था। इसकी शुरुआत के लिए इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट का अपना पहला कॉन्फ्रेंस जो फिनलैंड में हुआ था 1962 में, वहां से दुनिया का पहला वर्ल्ड थिएटर डे की स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद इसको वियना और आने वाले टाइम में अलग अलग सिटी में इस डे को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड थिएटर डे का पर्पस सिर्फ एक है, थिएटर का अवेयरनेस बढ़ाया जाए और लोगों को बताया जाए कि थिएटर की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज थिएटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सोसाइटी को उसका एक आईना दिखाता है। अगर बात करें हम आज के सारे डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया और सारे OTT प्लेटफॉर्म्स इंक्लूसिव जो हमारे सिनेमाघर हैं, वो सारे के सारे इस थिएटर से ही ओरिजिन हुआ है। शुरुआत में वो मूवीज के फॉर्मेट में आया, फिर वो TV सीरीज के फॉर्मेट में आया, फिर सोशल मीडिया एंड लॉट्स ऑफ दिस, और ये सारी चीजें एक डेवलपमेंट फेज में चलती जा रही है जिसको कोई रोक नहीं। बट किसी एक एंगल से थिएटर्स एक तरीके से डिग्रेड होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिन्होंने कभी थिएटर में कदम ही नहीं रखा, जिनको पता ही नहीं कि थिएटर का फीलिंग कैसा होता है। तो इस डे को सेलिब्रेट करना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि लोगों को एहसास हो कि जो इन्फॉर्मेशन हमें थिएटर के माध्यम से मिलता है शायद वो किसी और के माध्यम से नहीं मिल सकता। बिकॉज हमने कुछ थिएटर आर्टिस्ट से बात की, उनका भी यही कहना है कि थिएटर में आपका जो डेवलपमेंट फेज होता है वो आपको और कहीं नहीं मिलता, बिकॉज उसमें आपको पंक्चुअलिटी, अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस, बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप के अंदर ढूंढ सकते हैं। इसी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आज है 27th ऑफ मार्च 2023 और आज है वर्ल्ड थिएटर डे। आज के दिन एटलीस्ट किसी थिएटर में जाके किसी शो को एंजॉय कीजिए और हो सके तो थिएटर आर्टिस्ट से एक बार वन ऑन वन मुलाकात कीजिए, शायद उनसे कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए। तो इसी तरीके के इनसाइटफुल और इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए फोकट का ज्ञान को फॉलो कीजिए और फोकट का ज्ञान लेते रहिए।